नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे बेस्ट थ्री कंपनियां कौन सी हैं, टॉप थ्री कंपनियां कौन सी हैं या टॉप थ्री ब्रोकर्स कौन से हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं। तो इसी के लिए हैं, टॉप थ्री कंपनियों को हमने लिया है, जीरोधा को लिया है, 5paisa.com को लिया है और एंजल ब्रोकिंग को लिया है। ये तीन हमारी कंपनियां हैं जिसको हमने टॉप थ्री में लिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे जीरोधा को रखा है, सेकंड नंबर पे 5paisa को और थर्ड नंबर पे एंजल ब्रोकिंग को रखा है। तो ये सब डीमेट अकाउंट खोलने वाली कंपनियां हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है, आप सिंपल सी भाषा में समझ लें उसे, कि शेयर मार्केट में अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं सेल्फ अपनी इंटरनेट बैंकिंग से, तो आपको किसी न किसी के थ्रू जाना होता है। तो वो किसी के थ्रू जाने के लिए आपको या तो जीरोधा के थ्रू या 5paisa, एंजल या और भी कई कंपनियां होती हैं जो ट्रेडिंग के लिए आपको सहायता उपलब्ध कराती हैं। ये बेसिकली ये तीनों आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ऑनलाइन एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप घर पर अपने मोबाइल के थ्रू या अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले हम जीरोधा को देखते हैं। जीरोधा को हमने नंबर वन क्यों रखा है, इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है डिलीवरी इज टोटली फ्री। ये डिलीवरी क्या होती है, ये घर वाली डिलीवरी नहीं है, ये शेयर मार्केट में डिलीवरी उसे कहते हैं जब हम शेयर्स एक दिन से ज़्यादा के लिए अपने पास रखते हैं तो उसे डिलीवरी कहते हैं। जब हम शेयर्स एक दिन से ज़्यादा रखते हैं अपने पास तो उसे डिलीवरी कहते हैं, और एक ही दिन में खरीदो और एक ही दिन में बेच दो उसे इंट्राडे कहते हैं, ठीक है ना। तो डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है जीरोधा पे, नो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि आप अगर शेयर्स खरीदते हैं और कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, नो मिनिमम कैपिटल ऑफ ब्रोकरेज पर ट्रांजेक्शन। आपको कोई भी कैपिटल के लिए मिनिमम आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तभी मैं कोई शेयर्स खरीद पाऊंगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। फिर है थर्ड, ब्रोकरेज रेट इज 0.01% और 20 रुपीज़। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है ये है कि आप जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही लगेगा। 20 रुपीज़ मैक्सिमम है और कम से कम 0.01% है इसका चार्जेस। ये क्या होते हैं ब्रोकरेज चार्ज, जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, उसके ऊपर लगता है ये चार्ज। फिर है मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्ज कैप टू 20 रुपीज़। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आप कितने ही शेयर्स खरीदें एक साथ, 1 लाख शेयर्स खरीदें या 10 लाख या 1 करोड़, उन पर 20 रुपये ही लगेगा मैक्सिमम ट्रांजेक्शन चार्ज, ट्रेडिंग का चार्ज। फिर एक ये मार्जिन सुविधा और देता है जीरोधा, कितनी, 4 to 12.5 times। इसका मतलब क्या है, ये इंट्राडे के लिए दी जाती है ये सुविधा, और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 4 रुपए की ट्रेडिंग इंट्राडे में कर सकते हैं, और कुछ कंपनियों में 4 है, कुछ कंपनियों में 10 होगा और कुछ कंपनियों में 12 होगा। हम सपोज कीजिए कि पीएनबी के लिए इसने 12 कर रखा है, सपोज कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है किसी दिन, तो मैं 12 लाख के शेयर्स खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ केवल उसी दिन के लिए। ध्यान रखना ये इंट्राडे का खेल है, अगर शाम को अगर मेरे को नुकसान हो या फायदा हो दोनों ही मुझे उसको समेटना होगा क्योंकि ये इंट्राडे है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकाउंट चार्जेस देखते हैं इसके। ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस क्या है, वन टाइम है, निल है इसका। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है, निल है, लेकिन डीमेट अकाउंट का चार्जेस क्या है, 300 रुपये। और ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, 0 है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। और डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो है 300 रुपीज़ पर ईयर, ये आपको देना पड़ेगा। फिर है ब्रोकरेज चार्ज, इक्विटी डिलीवरी पर कितना है चार्ज, 0 ब्रोकरेज, यानी कि आप कोई शेयर्स खरीदते हैं और एक दिन से अधिक के लिए अपने पास रखते हैं तो उस पर ब्रोकरेज चार्ज है 0, कोई आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए। फिर है इक्विटी इंट्राडे, इंट्राडे मतलब उसी दिन खरीदो और उसी दिन बेचो। अगर आप ऐसा काम करते हैं शेयर्स को आज ही खरीदें और आज ही बेचें तो आप पर मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर के अनुसार चार्ज लगता है। फिर है इक्विटी फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में अगर आप डील करना चाहते हैं तो भी 20 रुपये ही है मैक्सिमम, और इक्विटी ऑप्शन में करना चाहते हैं तो भी 20 रुपये ही है ऑप्शंस। फिर हम आके आते हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन है, वेबसाइट इसकी ये है,
आप देख सकते हैं, काइट जीरोधा डॉट कॉम के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी चलती है, मोबाइल के थ्रू भी आप जीरोधा पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जीरोधा काइट, जीरोधा कॉइन, जीरोधा वर्सिटी, ये इसकी एप्लीकेशंस है। एक सॉफ्टवेयर और आता है जीरोधा पाई, ये क्या होता है, कंप्यूटर पे यूज होने वाला सॉफ्टवेयर होता है और इसमें थोड़े हाई लेवल के लोग काम करते हैं। हम लोग कहाँ काम करेंगे, सामान्य व्यक्ति जो होता है ट्रेडिंग करने वाला, वो या तो वेबसाइट के थ्रू जाएगा या मोबाइल के थ्रू जाएगा। ये जीरोधा पाई थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसके थ्रू हम उतना नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं हम फाइव पैसा डॉट कॉम, इसको हमने सेकंड नंबर पे दिया है, उसके कई कारण हैं। इसका देखिए स्टॉक डिलीवरी का चार्जेस क्या है, ₹20 का ये प्लान है, ऑप्टिमम प्लान। इस ऑप्टिमम प्लान में ₹20 चार्ज है, जबकि प्लेटिनम प्लान में ₹10 का चार्ज रखा गया है और टाइटेनियम प्लान में बी फ्री रखा गया है, कि डिलीवरी मतलब कि एक दिन से हम अधिक अगर स्टॉक रखेंगे तो उसे डिलीवरी कहेंगे। तो टाइटेनियम प्लान में आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, जबकि प्लेटिनियम प्लान में ₹10 और ऑप्टिमम प्लान में ₹20 लग रहा है। अब इंट्रा डे देख लेते हैं। इंट्रा डे में ऑप्टिमम प्लान ₹20 ले रहा है, प्लेटिनम ₹10 ले रहा है और टाइटेनियम आपसे ₹10 ले रहा है। इसी प्रकार स्टॉक फ्यूचर का प्लान भी क्या है, 20, 10 और 10। फिर स्टॉक ऑप्शंस का, वो भी 20, 2 और 2 है, ये पर लोट है। पर लोट का मतलब कि कितने लोट में आपने शेयर्स खरीदे हैं। फिर एक करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का चार्ज, ये 20 है, ये 10 है और ये 10 है। नॉर्मली हम क्या खरीदते हैं, हम नॉर्मली दो ही काम करते हैं, जो जनरल शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो ही में ट्रेडिंग करते हैं। ध्यान दें, ये बहुत आगे की बात होती है, फ्यूचर्स ऑप्शन करेंसी ये बहुत आगे की बात है, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। हमको कहाँ तक जाना है, स्टॉक और इंट्राडे तक। इंट्राडे आज खरीदा सुबह और शाम तक बेच दिया, डिलीवरी आज खरीदा और 2-4 दिन में बेच दिया, 2-4 साल में बेच दिया, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन कितना देता है। जीरोधा तो दे रहा था 4 गुना से 12.5 गुना तक, जबकि ये कितना दे रहा है, 5 पैसा। ऑप्टिमम प्लान 4 टाइम्स दे रहा है इक्विटी का, और डिलीवरी के लिए 4 टाइम्स दे रहा है, ये भी 4 टाइम्स दे रहा है, प्लेटिनम में भी, टाइटेनियम में भी 4 टाइम्स है, जबकि इंट्राडे में कितना है। अच्छा, खास बात, जीरोधा ने डिलीवरी के लिए जो दिया है प्लान वो अलग था और इसका इंट्राडे का अलग है। इंट्राडे क्या दे रहा है, ये इंट्राडे में ये 3.5 गुना दे रहा है, मैक्सिमम 5 गुना है इसका। चाहे से कोई भी प्लान ले लो, मैक्सिमम 5 गुना तक आप अपना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि 1 लाख है तो मैं 5 लाख तक के शेयर मैक्सिमम खरीद सकता हूँ टाइटेनियम प्लान के थ्रू। फिर ऑप्शंस आता है, ऑप्शंस में 2.5 गुना है, इसमें 5 गुना से लेके 10 गुना तक है और इसमें भी 5 गुना से 10 गुना तक है। करेंसी फ्यूचर्स में 1 टाइम है सिंगल, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने पास जितना पैसा है उतना ही कर सकते हैं। अब इसके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं फाइव पैसा डॉट कॉम के, एक तो वेबसाइट है और एक इसकी मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये काम कर सकती है और वेबसाइट के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे रखा है मैंने भारत की एंजल ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट कंपनी को। इसका क्या है, इसका है ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इसका भी 0 है, जैसे जीरोधा का था इसका भी 0 है। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसका कितना है, 0। जीरोधा का इसमें शायद ₹300 था, लेकिन यहाँ इसका क्या है, 0 है। जबकि एंजल क्लासिक का क्या है, ₹450 पर एनम, और एंजल प्रिफरेंट का चार्जेस क्या है, 25,000 से 50,000। ये हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के केवल ये दो ही है ज़्यादातर, ये थोड़े अलग प्लान्स आ जाते हैं। एंजल प्रीमियर प्लान अलग, क्लासिक अलग, प्रिफर्ड अलग, एंजल एलीट अलग, ये थोड़े हाई लेवल के लोगों के लिए हैं जिसमें ये काम होता है, लेकिन हमारे ये ज़रूर काम आ सकता है। कौन सा वाला, देखिए एंजल क्लासिक में तो क्या होता है कि ₹450 आपसे पर एनम लिया जाएगा अगर आप 10,000 से 25,000 तक का बिजनेस करते हैं। और एंजल प्रिफर्ड में आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, यहाँ पे भी 450 लिया जा रहा है चार्ज, यहाँ पे भी 450, यानी कि आपको ₹450 का चार्ज तो देना ही पड़ेगा चाहे आप कोई सा भी प्लान चूज करें। अब है की बेनिफिट, ये क्या देता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट देता है 10 गुना तक, यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं एक दिन में 10 लाख तक का शेयर्स खरीद सकता हूँ। फ्री SMS सुविधा देता है, ये कोई खास नहीं है, 3 महीने तक। यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद इन 1 आवर, हाँ ये जरूर है, ये
केवाईसी के थ्रू काम करता है, जिसे हम तुरंत ही ट्रेडिंग करा कर सकते हैं। लेकिन जीरोदा और 5paisa एंजल, जो 5paisa.com है, उसमें भी ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी ज़रूर लेते हैं आपसे, उसके थ्रू ही आपसे काम किया जाता है। तो ये है हमारी कुछ कंपनियाँ, तीन बेस्ट कंपनियाँ। ये एंजल ब्रोकिंग है, जिसका प्लेटफॉर्म ये है, ये है उसकी साइट, ये उसके ब्रोकरेज की जो मोबाइल ऐप है वो है। इसमें ये चेंज होता रहता है, इसलिए ध्यान रखें कि आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैंने आज की डेट में इसको बनाया है वीडियो को, हो सकता है बाद में ये चेंज हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने अपनी लिस्ट में नंबर वन इसको, जीरोधा को क्यों दिया है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि इसमें फ्लैट 20 रुपये चार्ज है। कुछ नहीं सोचना मतलब कि आपको केवल और केवल इंट्रा डे के लिए 20 रुपये देना है, और कोई चार्जेस नहीं है। जो बस एक चार्जेस है वो कौन सा है, जो मैंने बता दिया कि 20 रुपये है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि डीमैट अकाउंट का 300 रुपये है ओपनिंग चार्ज, और 300 रुपये उसकी मेंटेनिंग का है। यानी कि ये एक बार लगेगा 300 रुपये आपका, और फिर हर साल 300 रुपये लगेगा। बस ये 300 तो एक बार लगेगा आपके अकाउंट खोलते वक्त, और फिर हम हर साल आपके कितना लेगा ये चार्ज, 300 रुपये प्लस प्लस अगर आपने कोई इंट्राडे किया है तो उसका चार्ज, और इंट्राडे नहीं किया है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इसी कारण मैं प्रेफर किसको करता हूँ, जीरोदा को। एकदम सरल है, इसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, एकदम क्लियर है। तो शेयर बाज़ार में डीमेट अकाउंट खोलने के लिए ये सबसे बेस्ट कंपनियाँ थी। आप इनका सर्वे और से कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये तीन बेस्ट कंपनियाँ हैं। आप अगर और भी ब्रोकरेज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, मैंने आपको सही राय दी थी कि टॉप 3 ब्रोकर्स में नंबर 1 जीरोदा ही है, और नंबर 2 5paisa है, और नंबर 3 पे एंजल है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप मोबाइल के थ्रू जब ये प्लेटफॉर्म पे आप डीमेट अकाउंट खोल लेंगे, इनकी साइट पे जाके डीमेट अकाउंट खोलना वैसे ही है जैसे हम जीमेल अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही है। थोड़ा सा बस प्रोसेस थोड़ी बड़ी है, तो वो जैसे हो आप लिखते जाना उसमें तो वो काम हो जाता है। फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपसे मंगा लेंगे तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है? तो उससे आप अकाउंट खुल जाएगा, और आप अकाउंट खुलते ही इसकी मोबाइल एप्लीकेशन या आप इसकी विंडो एप्लीकेशन जो आती है, या वेबसाइट के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। जब चाहें शेयर्स खरीदें और जब चाहें बेचें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, किसी में भी लगा सकते हैं आप, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत बहुत धन्यवाद।